दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, जो बोलता है बामेती के अंतर्गत आई वैकेंसी के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और कौन कौन अप्लाई करेंगे, कब तक इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बंद रहिए, हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले इसका नोटिस पे आ जाएंगे, जैसा कि अपन नोटिस हम इसको डाउनलोड किए हुए हैं। नोटिस यहाँ पर देखिए देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया बिहार कृषि प्रबंधक एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेती के तरफ से जो ये नोटिस जारी किया गया वैकेंसी के बारे में। ठीक है, उसी के अपन नोटिस यहाँ पर डाउनलोड किए हुए हैं। देखिए प्रखंड स्तर से, ठीक है, प्रखंड स्तर जो वैकेंसी निकाला गया है ये आपका प्रखंड स्तर, यहाँ पर प्रखंड तकनीकी का पोस्ट है जो देखा है ना। ठीक है, प्रखंड स्तर के अंतर्गत प्रखंड तकनीकी का जो प्रबंधक पोस्ट निकाला गया है, ठीक है, जिसमें पदों की संख्या 288 है, जिसका आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है कृषि उद्यान अभियान वानी विनी या पास हुई चिकित्सा वहाँ से डिग्री पास होना चाहिए। उसके बाद आपका सैलरी, आपका एज रखा गया है 37 वर्ष, और इसका जो वेतन रखा गया है 30,000। ठीक है, इसका जो वेतन रखा गया है 30,000। उसके बाद फिर से नीचे आएंगे, फिर दूसरा यहाँ पर पोस्ट रखा गया है सहायक तकनीकी प्रबंधक। ठीक है, सहायक तकनीकी प्रबंधक, इसका जो टोटल 587 पद है। यहाँ पर कृषि उद्यान कृषि अभियंत्र यवानी या पशु चिकित्सा से डिप्लोमा आपको स्नातक मांगा गया। ठीक है, स्नातक डिग्री पास मांगा गया। उसके बाद यहाँ पर 37 वर्ष मांगा गया है एज आपका। उसके बाद यहाँ पर सैलरी है इसका 25,000। ठीक है, इसका सैलरी है 25,000। उसके बाद यहाँ पर लिखिए, नीचे भी बताया गया है यहाँ पर लेखापाल पद के लिए है। लेखापाल पद के लिए यहाँ पर 160 पद रखा गया है, जिसका बीकॉम मांगा गया। ठीक है, इसका जो बीकॉम मांगा गया है उन्हें बैचलर ऑफ कॉमर्स मांगा गया। उसके बाद यहाँ पर 37 वर्ष मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर सैलरी है 22,500। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, अभी हो गया वो बता रहे थे आपको पद का नाम प्रखंड स्तर से, यहाँ पर जो जिला स्तरीय से भी यहाँ पर निकाला गया है, जिसमें यहाँ पर, ठीक है, जिला स्तर से निकाला गया है, जिसमें लिपिक सहायक लिपिका है। ठीक है, यहाँ पर 6 पद रखा गया है, जिसमें आपका स्नातक पास मांगा गया है 6 महीने का जो कंप्यूटर कोर्स होता है। ठीक है, कंप्यूटर एवं 6 माह का डिप्लोमा जो होता है वो आपका कोर्स मांगा गया है। इसमें 37 वर्ष है लास्टली एज, इसका जो सैलरी है 22,500। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे बात करेंगे, यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी निकाला गया है ये आपका संविधान आधारित निकाला गया है। अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी स्टेट से हैं, ठीक है, तो ये फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार से हैं तो भर सकते हैं, ठीक है, आप दूसरा स्टेट से भी हैं तो यहाँ से भर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बताया गया है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे बताया गया, यहाँ पर एज लिमिट के अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया आवेदन करने की प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन दिया गया है, ठीक है, कि आपको आवेदन जो लिया जाएगा ऑनलाइन लिया जाएगा, ऑनलाइन भी आपको स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए समय में बताया गया सब लोग का कि इसका जो अप्लाई करने का ऑनलाइन देने की अंतिम तिथि है 15 अप्रैल तक लिया जाएगा। ठीक है, 15 अप्रैल 2023 तक शाम 5 बजे तक लिया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा 18 अप्रैल को। यहाँ पर सब डेट बताया गया कि किस डेट में क्या क्या यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा गया, यहाँ पर देखिए हमें कार्य का विवरण लिखा गया है। ठीक है, कार्य का विवरण लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर काउंसलिंग का जो भी हो अपना नोटिस में, ये नोटिस के माध्यम से अपना देख लीजिएगा। ठीक है, अगर जो फॉर्म को आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के लिए यहाँ इस साइट पर चलेंगे। ठीक है, ये आपका साइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप आ सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखिए आने के बाद जैसे नोटिस डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर गाइडलाइन जो बताया गया, इस पर गाइडलाइन पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो नोटिस जो हम डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये गाइडलाइन पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई जो दिखा जाए इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरह से इंटरफेस खुलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पर जो बताया गया कि यहाँ पर देखिए 3 टर्म में आपका किया जा सकता है। ठीक है, पहला आपको डेमोग्राफी प्लस OTP और दूसरा है डेमोग्राफी प्लस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और दूसरा IRC। ठीक है, आप मानो 3 तरह से आप लॉगिन करेंगे, आपका आधार से लेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लीज रियल आधार ऑथेंटिकेशन, जैसे यहाँ पर पहला बार पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो आधार से मोबाइल में लिंक रहेगा उस पर OTP जाएगा, और नहीं तो डेमोग्राफी से करेंगे तो आपका बायोमेट्रिक से अंगूठा लगा कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद IRC से आँख से भी होता है। ठीक है, कि अगर जो आपका पास आधार से मोबाइल में लिंक है
डेमोग्राफी प्लस ओटीपी पर क्लिक कर देंगे, आपका आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर नेम डालेंगे और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कीजिए तो आपका आधार पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के जैसे क्लिक किया तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। अगर मान लीजिए डेमोग्राफी से करना चाहते हैं तो डेमोग्राफी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर लिखेंगे और यहाँ पर नाम लिखेंगे, उसके बाद आपका जो सिस्टम में आपका बायोमेट्रिक लगा हुआ मार्फो या मंत्रा जो भी हो उसको कैप्चर स्कैन करना है, स्कैन करके आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो जैसा कि आपको देखें सारा चीज़ हम यहाँ पर बता दें, नोटिस में बता दिए कि नोटिस में क्या क्या बताया गया और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी नई नई वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।